हेलो गाइस, आज हम आपको 100 के ट्रे में 90 डिग्री बैंड बना करके हम दिखाने वाले हैं। इसका आप मार्किंग किस तरीके से करते हैं, क्या मेज़रमेंट लेते हैं, कितना कितने सेंटी गैप दे करके हम इसका मार्किंग करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, कितना का हम रेडियस रखेंगे और कितना का उसका रेफरेंस आएगा, वो पूरा मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, ये 10x5 का ये हमारा ट्रे हो गया, 10 इधर से और 5 इधर से, ठीक है। और इसमें हमको 90 डिग्री बैंड बनाना है, तो हमको 30 सेंटी का 90 डिग्री बैंड बनाना है, ठीक है। तो हम इधर से बनाएंगे, इस तरफ से बनाएंगे, ये हम इधर से कटिंग करेंगे और इधर से मोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जिधर भी मोड़ना है उधर ही आप मार्किंग करेंगे। तो ये कॉलर से हम मोड़ेंगे तो ये हमारा ये 90 जो बनेगा उस तरफ जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा उस तरफ जाएगा। तो हमको 30 सेंटी का 90 डिग्री बैंड बनाना है। तो हम कितना पे मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 30 सेंटी का, हमको 90 बैंड चाहिए। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 23 सेंटी पर, देख रहे हैं 23 सेंटी पे हमने एक निशान लगाया। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे आ जाएंगे 4 सेंटी, ये हमारा 100 का ट्रे है, तो 4-4 सेंटी पे दो मार्किंग हम करेंगे। तो ये 23 हो गया, 23-4 27, उसके बाद फिर 4 सेंटी और आगे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। दो निशान हमने लगा दिया यहाँ से, ये मार्किंग हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ से हमको रेडियस देखना है, हमको रेडियस कितने का रखना है, ठीक है। तो हमने 23 सेंटी लिया था, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा आपका 10 सेंटी, ठीक है। तो 10 सेंटी हम यहाँ से इसका रेडियस रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 7 सेंटी माइनस किया, 30 सेंटी हमको 90 चाहिए था, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हम 10 सेंटी पे हमने एक निशान लगा दिया, ये हमारा रेडियस हो गया। इसको हम बीच का जो सेंटर का जो गैप होता है 90 डिग्री का, वो रेडियस होता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक 4 सेंटी, फिर यहाँ से 4 सेंटी पे दो मार्किंग है कर देना है इस तरीके से। ये लीजिए, ये भी मार्किंग हो गया। अब इधर आपको मार्किंग करना है, यही मार्किंग आपको इधर लेकर के आना है। ये देखिए, ये भी बन गया हमारा, ठीक है। ये वाला भी काट करके आपको निकाल देना है, ठीक है, ये भी कट करके निकल जाएगा। और ये इसको हम कपलर बनाएंगे, ये आगे का हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला जो मार्किंग हम कर रहे हैं, ये कपलर बन जाएगा, ठीक है, ये वाला कट करके निकल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से काट दें आप, ये यहाँ से कट जाएगा। तो अब इसको भी हम मार्किंग करेंगे, इसको भी देखिए हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं। ये देखिए, ये भी मार्किंग हो गया, उधर का भी कट, और यहाँ पे आप इसको कपलर बना दे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मार्किंग हो गया है, ये वाला भी जो देख रहे हैं आप, इसको काट करके इसको निकाल देना है, और यहाँ से ये वाला कट जाएगा, और ये वाला इसको यहाँ से ये काट करके इसको निकाल देना है, इसको भी काट के निकाल देना है, और ये राउंड आपको ये वाला ये काट करके आपको इसको निकाल देना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बैंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो निशान देख रहे हैं, यहाँ से हम एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरफ, इसका सीधा सीधा ये इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे हम एक भी बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। आप इसको राइट एंगल से भी सीधा मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये हमने भी मार्किंग कर दिया है, ये भी आपको भी कटिंग कर लेना है, ये भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये मार्किंग मुकम्मल हो चुका है, और हमने किस तरीके से मार्किंग किया है वो समझ लीजिए आप अच्छे से। ये देखिए, यहाँ से हमने 23 सेंटी पे एक निशान लगाया, ये देखिए, है ना, और हमको चाहिए था 90 डिग्री, कितना 30 सेंटी का हमको 90 डिग्री बैंड बनाना था, है ना। तो हम ये देखिए, ये हमने रेडियस कितना रखा है, ये 10 सेंटी का हमने रेडियस रखा है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये एक निशान, ये जो हम भी बनाते हैं, उसके बाद जो दूसरा निशान लगाते हैं, यहाँ से जो दूरी रहता है ये हमारा बीच का, ये सेंटर का, इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस हमारा 10 सेंटी का है, 15 सेंटी का भी हम रेडियस रखते हैं, 20 सेंटी का भी रेडियस हम रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10 सेंटी का रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, हमको 90 चाहिए, कितना का, 30 सेंटी का 90 बैंड चाहिए बन करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 सेंटी का हमको 90 बैंड चाहिए, तो हम रेडियस चेक करते हैं पहले,
रेडिएशन हमारा कितना का है, रेडिएशन को कितना का रख करके हमको 90 बनाना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको हम 15 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से रेडियस का जो रेफरेंस आता है वो हम यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 30 सेंटी का हमको 90 बनाना था और रेडियस हमने रखना था 10 सेंटी, तो 10 सेंटी हमने रेडियस रखा, तो 10 सेंटी रेडियस का 7 सेंटी रेफरेंस आता है, ठीक है। तो हमने कितना मार्किंग किया, 7 माइनस कर दिया, आपको 7 माइनस कर देना, जो रेडियस का रेफरेंस आएगा 10 सेंटी का रेडियस का 7 सेंटी रेफरेंस आता है, ठीक है। तो 7 सेंटी माइनस करके यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया, फिर उसके बाद 4 सेंटी, फिर उसके बाद 4 सेंटी, ठीक है। इस तरीके से हमने मार्किंग किया है, ये देखिए, फिर यहाँ से 10 सेंटी हमने लिया है, ये रेडियस हो गया, और फिर यहाँ से 4 सेंटी, फिर यहाँ से 4 सेंटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 90 डिग्री बैंड का मार्किंग करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग करके फिर आपको हम इसका बैंड करके और इसका मेजरमेंट करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये हमारा एक भी कट है और दूसरा भी कट ये है, ठीक है। और ये हमारा कपलर है, ये भी कपलर है, ये कपलर इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ करके बैठ जाएगा, इसमें हम फिर रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, देख सकते हैं। तो अब हम इसको बाइंड करके फिर हम आपको इसका हाइडिंग मेज़र करके दिखाएंगे। और ये देखिए, यहाँ भी हमने भी मार्किंग किया था और यहाँ भी मार्किंग किया था, तो ये भी हमने काट दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बाइंड करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 90 डिग्री बैंड बन करके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। ये हमने पूरा रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। ये हमारा कपलर है और ये भी हमारा कपलर है, देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको मोड़ करके, इसको हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। तो अब हम इसका मेजरमेंट आपको हम करके दिखाने वाले हैं। ये हमारा 30 सेंटी का 90 डिग्री बैंड है, तो चलिए इसका मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 30 सेंटी का 90 डिग्री बैंड बन चुका है, हमने आपको मेजरमेंट करके भी हमने आपको दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।